वन, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट. ईएमएफ 12 वोल्ट. इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज आर इक्वल्स टू 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. कोई भी बैटरी होती है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर से होता है, और हम चाहते हैं कि अगर हम कुछ लोड उसके साथ लगाएं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी उसमें आ जाता है, पर यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई है. अगर आपको बैटरी से करंट निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रजिस्टेंस आर अपॉन आर, जहाँ पर अगर ये आपने बैटरी लगाई है, ये इसका इंटरनल रजिस्टेंस, ये बैटरी, ये पूरा बैटरी का पार्ट, और यहाँ पे आप लगाओगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये करंट फ्लो होगी सर्किट में आई प्लस माइनस, और यहाँ पे आपको मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप पूरा का पूरा. यहाँ पे बोला है कि इस बैटरी से व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये बैटरी कितना मैक्सिमम करंट दे सकती है. तो करंट को मैक्सिमम होने के लिए इस डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा. हमें पता है कि किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप अप्रॉक्सीमेटली जीरो कर सकते हो अगर आप बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो तो. मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ना लगा के सीधा एक वायर लगा दो, ऐसे शॉर्ट सर्किट होगी. मतलब आर इक्वल्स टू क्या कर दो आप, जीरो कर दो, तो आई मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन, मतलब सॉरी ई एम एफ अपॉन आर. तो ये ई एम एफ क्या है, 12 अपॉन आर 0.4, मतलब 30 एम्पियर आंसर.